joint and force reversal of executive battalions. Computer hardware and networking codes, cell phone GPS and video conduct, computer courses for wives and wards of... आपको जनवरी 2012 को राष्ट्रपति पुलिस पदक से सम्मानित किया गया है। इसके साथ ही दिनांक 21 नवंबर 2013 को आपको स्पेशल ड्यूटी मेडल से भी नवाजा गया है। आपकी तकनीकी योग्यता और संचार क्षेत्र के अनुभव के फलस्वरूप मई 2018 से आप पुलिस उपमहानिरीक्षक सिग्नल रेंज के पद पर तैनात है। परेड कमांडर का उठा हर कदम इसी दूर Yeah.
कुशल निर्देशन में इस भव्य परेड का संचालन किया गया है, उन्हें भी बधाई देता हूँ। विगत कई महीनों में सिग्नल के कार्मिकों ने लोकसभा एवं कुछ राज्यसभा की विधानसभाओं के चुनावों के सफलतापूर्वक निष्पादन में जो भूमिका निभाई है, उसे बल के सर्वोच्च स्तर पर भी पहचाना गया है, जिस कारण सिग्नल वाहिनियों के 234 अधिकारियों एवं कार्मिकों को महानिदेशक के डेस्क एवं प्रशंसा पत्रों से नवाजा गया है। यही नहीं, 7 कार्मिकों को अति उत्कृष्ट सेवा पदक एवं 13 कार्मिकों को उत्कृष्ट सेवा पदक प्रदान किए गए हैं। पदक प्राप्त करने वाले सभी कार्मिकों एवं उनके परिवारजनों को मैं पूर्ण विश्वास है कि भविष्य में भी दो सिग्नल बटालियन के सभी अधिकारी एवं कार्मिक पूरी मेहनत एवं लगन से कार्य करते रहेंगे एवं संचार क्षेत्र एवं इस बल के झंडे को सदा ऊंचा रखेंगे। भी इससे अवगत होंगे कि हाल ही में जम्मू एवं कश्मीर में एक असाधारण कानून एवं व्यवस्था की स्थिति उत्पन्न हो गई थी। इस विकट स्थिति से निपटने के लिए जम्मू एवं कश्मीर में पूर्व से तैनात बटालियनों के अतिरिक्त सीआरपीएफ की दुगनी से भी ज़्यादा कंपनियों को तैनात की गई के अंतर्गत लाना एक बड़ी चुनौती थी। साथ ही मोबाइल एवं इंटरनेट सेवा के बंद हो जाने से यह चुनौती और भी ज़्यादा कठिन हो गई, परंतु हमारे अधिकारियों एवं कार्मिकों ने इस चुनौती को स्वीकार किया एवं दिन रात एक कर अनवरत एवं निर्विघ्न संचार व्यवस्था स्थापित किया। इस दौरान मैं स्वयं कश्मीर में रहकर इस पूरी प्रक्रिया का पर्यवेक्षण करता रहा। हमारा बल विश्व का सबसे बड़ा सशस्त्र बल है, परंतु हमारे सामने चुनौतियां भी अत्यंत गंभीर हैं एवं इसमें शांति बनाए रखने की महती जिम्मेदारी सौंपी गई है एवं इस कार्य में संचार की भूमिका अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। अतः हमें भी इस चुनौती का सामना करने के लिए अपने आप को तैयार करना होगा एवं साइबर क्राइम जैसे विषयों पर महारत हासिल करनी होगी। हमारे पास देश में उपलब्ध सर्वोत्तम रेडियो सेट एवं आधुनिक उपकरण हैं, हमें इनके उपयोग करने का ज्ञान अर्जित करना होगा। नई तकनीक के साथ साथ हमें अपने आधारभूत पेशेवर ज्ञान को बढ़ाकर किसी भी आपातकालीन परिस्थितियों के लिए सदैव तैयार रहना होगा। के योगदान की समीक्षा करूं यह उचित नहीं होगा। मैं यह मानता हूं कि टीम का मनोबल उच्च कोटि का रखने में सौहार्दपूर्ण माहौल कायम रखने के पीछे एवं हर्षोल्लास का वातावरण बनाए रखने की शुरुआत हमारे घर से होती है। विपरीत एवं विषम परिस्थितियों में हमारी घर की महिलाएं, खासकर लेडी वाइफ, जो मानसिक शांति एवं हौसला बढ़ाती हैं, वह काबिले तारीफ है। अतः मैं महिलाओं एवं समस्त परिवार को उनके अंश के सहयोग के लिए तहे दिल से धन्यवाद एवं नमन करता हूँ। वे ही इस देश के भविष्य हैं। मेरी ओर से सभी बच्चों को उज्जवल भविष्य के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। एक बार पुनः मैं एक सही एवं दक्ष परेड की सराहना आप सभी के अच्छे स्वास्थ्य की कामना करता हूँ, साथ ही दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं व्यक्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू वेरी मच। Along with the Chhattisgarh Odisha commander.